फ्रेंड्स, आई हैव रेड वन बुक, नेम इज यू कैन विन। हिज राइटर ऑलवेज सेज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम प्रकाश ठाकुर है और मैं हिमाचल की हसीन वादियों से आज आपके लिए सफल लोगों की सोच कैसे होती है और असफल लोगों की सोच कैसे होती है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति की सोच में अंतर क्या होता है। सफल व्यक्ति हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और असफल व्यक्ति हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। दोस्तों मतलब जो आदमी कामयाब होता है वो समाधान की तरफ ध्यान देता है, जो आदमी फेलियर होता है वो समस्या की तरफ ध्यान देता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका, सफल व्यक्ति के पास हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होता है और फेलियर व्यक्ति के पास, जो असफल व्यक्ति होता है उसके पास कोई ना कोई हमेशा बहाना होता है। अब दोस्तों देखो, सफल व्यक्ति जो होता है उसके पास कोई ना कोई कार्यक्रम होगा, काम करने की योजना होगी, और असफल व्यक्ति जो होगा उसके पास कोई ना कोई बहाना होगा लोगों को बेवकूफ बनाने का। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति कहता है मुश्किल होने के बावजूद भी इस काम को किया जा सकता है, और असफल व्यक्ति कहता है इस काम को किया जा सकता है परंतु ये काम मुश्किल है। देखो सोच में क्या अंतर है। सक्सेसफुल आदमी क्या बोल रहा है, मुश्किल है काम पर इसको किया जा सकता है, परंतु असफल आदमी क्या बोलता है, काम को किया जा सकता है परंतु ये क्या है, मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा वचनबद्ध होता है और असफल व्यक्ति हमेशा खोखले वादे करता है। मतलब जो आदमी सक्सेसफुल होगा वो कमिटेड होगा, जो आदमी फेलियर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसेस करेगा परंतु उनको पूरा नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति के पास कामयाबी के सपने होते हैं, वो खुली आंखों से कामयाब होने के सपने देखता है, और असफल आदमी के पास हमेशा खोखली योजनाएँ होती है। मतलब दोस्तों जो असफल व्यक्ति होता है वो सिर्फ योजनाएँ बनाता है बैठे बैठे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, और जो सफल व्यक्ति होता है उसके पास खुली आंखों से वो सपने देखता है और उन सपनों को पूरे करने की पूरी योजना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए और असफल व्यक्ति कहता है कि कुछ होना चाहिए। मतलब दोस्तों सफल व्यक्ति कहता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई एक्शन लेते रहना चाहिए, और फेलियर आदमी क्या कहता है कि बैठे बैठे कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। मतलब जो फेलियर आदमी होता है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सफल जो आदमी होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा टीम का हिस्सा होता है और असफल व्यक्ति हमेशा टीम के हिस्से कर देता है। मतलब जो कामयाब इंसान है इस दुनिया में दोस्तों वो टीम बनाता है, और जो फेलियर आदमी है वो टीम को तोड़ देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सफल आदमी हमेशा लाभ को देखता है, प्रॉफिट की तरफ ध्यान देता है, और असफल आदमी हमेशा तकलीफ को देखता है कि मुझे इस काम को करते बार कितनी तकलीफें उठानी पड़ेगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, सफल आदमी हमेशा पॉसिबिलिटी को देखता है, संभावनाओं को देखता है। मतलब छोटी सी संभावना भी होगी उसमें भी वो सोल्यूशन निकालता है, और असफल आदमी दोस्तों हमेशा समस्याओं को देखता है, प्रॉब्लम्स को देखता है। उसके पास अगर काम करने का ऑप्शन होगा भी उसमें भी वो प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा फ्यूचर को देखता है और प्रेजेंट में जीता है, और फेलियर आदमी हमेशा अतीत में ही जुड़ा रहता है और अतीत को ही देखता है। मतलब बीते हुए कल को ही देखता है और बीते हुए कल में ही जीता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, सफल व्यक्ति हमेशा सोचकर बोलता है और असफल व्यक्ति हमेशा बोलकर सोचता है। मतलब जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो पहले सोचता है, उसके ऊपर प्लानिंग करता है, फिर जा करके बोलता है, और जो फेलियर आदमी होता है वो पहले बोल लेता है उसके बाद प्लानिंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है और असफल व्यक्ति कड़े शब्दों में हमेशा कमजोर तर्क पेश करता है। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, सफल व्यक्ति हमेशा काम को अंजाम देता है और जो फेलियर आदमी होता है, असफल व्यक्ति होता है, वो काम का होने का इंतजार करता है। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति बैठे बैठे काम होने का इंतजार करता है वो फेलियर की कैटेगरी में आता है, जो आदमी खुद उठ करके काम को अंजाम देता है वो सक्सेसफुल पर्सन की कैटेगरी में आता है। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, उन पॉइंटों को अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। कोशिश कीजिए दोस्तों असफल व्यक्ति की जो सोच है उस सोच को अडॉप्ट करने की, उस सोच को फॉलो करने की, ताकि भविष्य में आप भी एक बहुत बड़े विजेता और बहुत बड़े वॉरियर योद्धा बन सकें। या तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, फेलियर वाली जिंदगी। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या है, हिंदुस्तान में 90% लोग जो फेलियर वाली कैटेगरी के विचार है वही
अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से दोस्तों आपने कोशिश करनी है, जो सक्सेसफुल आदमी की सोच है, जो बिनर की सोच है, उस सोच को लेकर के जीना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। उसके बाद आपको कामयाबी की तरफ नहीं भागना पड़ेगा, कामयाबी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। उम्मीद है दोस्तों आज के बाद आप सफल व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे और सफल व्यक्ति वाला जीवन जीना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं, आपको घर बैठे ऐसे ही प्रेरित करता रहूं। जब तक नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। भगवान से मैं भी यही प्रे करूंगा कि आप अपने घर में खुश रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।